ग्रीन थिंकर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। और यहाँ देखिए मैं बैंगन हार्वेस्ट कर रही हूँ। 3 बैंगन मैंने हार्वेस्ट करे हैं और एक टाइम की सब्जी तो थोड़ी बहुत बनी जाएगी। अब फूल काफ़ी आ रहे हैं बैंगन पे, पर पत्ते भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो कई बार हम ओवर वाटरिंग से भी पत्ते ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, पर आजकल तो बारिश हो रही है तो फूल भी उसी वजह से आए हैं। ये हमारे तो रहे के कुछ प्लांट्स बन रहे हैं और इसने अपना जाल पकड़ लिया है। यहाँ मूली के भी बीजों में पोटाव आ गया है। मूली भी बहुत जल्दी लगती है और पालक भी बहुत जल्दी स्प्राउटिंग होती है, तो इसमें तो स्प्राउटिंग हो गई है स्टार्ट। तो इसमें मैं थोड़ा सा खाद वाला पानी डाल दूँगी। और ये देखिए बोगनविलिया जो है एक हार्डी स्टेम है, और इसको अगर आप ज़्यादा फूल चाहते हैं और तो इसको पानी आप तरीके से दें, हफ्ते में एक बार ही दें, गुड़ाई करते रहें इसकी, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ बाजरा गिर गया था तो घास उग गई है, तो ये सारा हटा के मैं कंपोस्ट थैले में डाल दूँगी। वहाँ पे ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा। गुड़ाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हफ्ते में एक बार ही देना है और खाद 2 महीने में एक बार दे दीजिए। यहाँ गुलाब के प्लांट में भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ, गुलाब के प्लांट में भी गुड़ाई करें, पानी दें, फिर गुड़ाई करें, ऐसे गुड़ाई इसकी करते रहें। हफ्ते में 2 बार तो उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। इसको NPK भी दे सकते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार, और वर्मी कंपोस्ट हम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा डैम्प है, ओवर भी वाटरिंग से प्लांट अच्छे से उग नहीं पाता। कुछ मैंने केमिकल स्प्रे करा है, माइल्ड स्प्रे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीटाणु लग रहे थे और नोटिसेबल थे, तो बेटर है कि हम थोड़ा स्प्रे कर दें प्लांट्स में, क्योंकि बारिश के मौसम में ये सब हो जाता है। देखिए मैंने थोड़े बैंगन के प्लांट में, मिंट में, हर एक में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दिया है, जबकि मैं नीम ऑयल स्प्रे कर ही रही थी। और ये हमारा लॉन्ग बीन्स का प्लांट लग रहा है मुझे, तो ये प्लांट्स यहाँ पे मैंने इसके लिए ट्रेलीज बना रही हूँ, और मैंने एक धागे से भी बांध दी है। अभी मैं आपको बाद में इसके बारे में दिखाऊंगी। और ये मेरे कुछ बैंगन के प्लांट्स हैं जिन पर मैं अभी गुड़ाई कर रही हूँ इनके पास में। तो गुड़ाई आपको जब दिख मौका मिले, बारिश ना हो रही हो तो आप गुड़ाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, पानी, बारिश का पानी भी आराम से अंदर चला जाता है, नहीं तो एक जो ऊपर की टॉप सॉइल है ना वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है। तो ये मैं भिंडी में भी कर रही हूँ, इस वाले प्लांट में भी कर रही हूँ, गुड़ाई कर रही हूँ। तो एक में मुझे थोड़े से सीडलिंग्स दिखे तो फिर मैंने उसमें नहीं किए। देखिए जैसे इसके अंदर बाई चांस कुछ डाला होगा इसमें, तो सीडलिंग्स थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए जब भिंडी के प्लांट बड़े होने लग गए हैं तो इसमें मैंने गुड़ाई कर दी है। यहाँ पे भी देखिए मैं कर रही हूँ, कुछ ग्रीन ग्रीन सा इनके ऊपर एल्गी भी जम जाता है, तो वो भी आप साथ साथ उसको गुड़ाई करने में सही रहता है, खतपरवार निकल जाती है। और ये देखिए हमारे एलोवेरा में कितना अच्छा चेंज आया है, सारी स्टेम्स ग्रीन हो गई हैं। और ये हमारे देखिए कद्दू के प्लांट्स हैं। फ्रेंड्स आज रविवार का दिन है और ये देखिए कितने सुंदर से हमारे लंटीना के फ्लावर्स, बोगनविलिया और भिंडी का भी फूल अब आ रहे हैं, तो होपफुली भिंडी काफ़ी लगेगी। चींटियाँ इसमें अक्सर होती हैं, स्प्रे भी हमने कर दिया तब भी। और ये हमारा नींबू का प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, रीपॉटिंग मांग रहा है। ये है रेडिश के कुछ सीड्स जो कि स्प्राउट हुए हैं। मूली लगाने के समय आपने ये ध्यान रखना है कि सीड्स बहुत पास ना हो, और अगर वो जर्मिनेट हो गए तो हम उसको थोड़ा सा निकाल देंगे। तो रई का, करेले के प्लांट्स, ये सारे बेल वाली सब्जियां तो बहुत तेज़ी से उग रही हैं। अब इसमें थोड़ी हमने खाद डालने का समय आया है, तो हम वेट करेंगे एक आधे दिन में, इसमें हम अच्छे से खाद डालेंगे, गुड़ाई करेंगे और खाद डालेंगे। गुड़ाई करते रहें, मिट्टी चपटी हो जाती है। और यहाँ थोड़ी सी मुझे स्पिनिच में स्प्राउटिंग दिखी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, जो भैया ने लगाई है। और बैंगन दिखने लग गए हैं, हर पॉट में जहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ बैंगन लग गए हैं। और ये हमारा नारंगी का प्लांट, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। जो छोटे छोटे चेंजेस दिखते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ मुझे सदाबहार का प्लांट थोड़ा ख़राब रखा, तो फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी। आज मैंने काफ़ी प्लांट्स की कटिंग करी है, पॉट चिलाका की, हरी वाली घास हटाती रहती हूँ, इसको मैं कंपोस्ट में डालती रहती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का ही काम है। हाँ जी, तो आज है मंडे 8 जुलाई। तो आज हमारा गार्डनर ले आया है 2 गमले 14 इंच के,
आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता का प्लांटर बहुत छोटा है, 8 इंच का है, और ये हम जब भी मैं टेरेस पे जाती थी तो ये गिरा हुआ होता था। तो एक तो उसका साइज बढ़ गया, उसको जगह ज़्यादा चाहिए बढ़ने के लिए, और उसकी सतह भी सूखी होती थी। तो हमारा नीचे का भी जो प्लांटर था सेकंड फ्लोर वाला, वो भी मैं ऊपर ले आई, और ये शायद सेकंड फ्लोर का ही है जो भैया उसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं, और हम इसी के जो मिट्टी निकाल के थोड़ा सा देखेंगे, रूट्स को खोल के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, और गमले को उसके अंदर हम डाल देंगे। आप 14 इंच के नेचुरली गमला बड़ा है तो उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी पहले से डालें, जो कि हम अपने टेरेस पे अवेलेबल रखते हैं, खाद अवेलेबल रखते हैं, मिट्टी अवेलेबल रखते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमने निकाल के इसको 14 इंच के गमले में रख दिया। तो ये साइड से उसको थोड़ा लूज कर रहा है मिट्टी को, ये देखिए उसको थोड़ा खोल रहे हैं, खोल के उसको फिर हवा उसके अंदर अच्छे से पास हो जाएगी। अब देख रहे हैं थोड़ा सा रूट ज़्यादा नहीं हुआ, रूट बाउंड, बट उसका गमला चेंज होना मांगता था। और बरसात का मौसम में सबसे बेस्ट है रिपोर्टिंग के लिए, तो ये उसके अंदर रख दिया, और बाकी उसको मिट्टी से भर देंगे। ये भैया लेके आया है थैली में से मिट्टी, एक्स्ट्रा मिट्टी, और एक अब बरसात के मौसम में गमलों को ऊपर तक मिट्टी से भर दें, नहीं तो क्या होता है जब कई बार बारिश आती है तो पानी उसमें कलेक्ट हो जाता है और नीचे नहीं जा पाता। तो अगर 5 जगह होगी तो उसमें पानी इकट्ठा होएगा ही होएगा। ये देखिए मिट्टी को लाके अच्छी तरह से गमले को ऊपर तक भर दें, और गर्मी के मौसम में थोड़ी मिट्टी कम भरें, बट अब मौसम गर्मी का निकल गया है, अब रेनी सीजन है। और ये दूसरा गमला भी देखिए इसके अंदर टर्टल वाइन लगी हुई है, ये मैंने गर्मी के मौसम में थोड़ी सी टर्टल वाइन इसके ऊपर लगा दी थी, और ताकि ये मल्च हो सके, लिविंग मल्च की तरह मैंने टर्टल वाइन को लगाया था। तो इसको भैया ने थोड़ा सा हिट किया हमारा हाथ उस पर, तो वो बाहर ही निकल आया गमला आराम से। ये सारे गमले हम आके अपने रीयूज़ कर लेंगे। एक जगह 12 इंच के बैग में 3 भिंडियाँ के लगे हुए, तो मैंने कहा भैया 12 इंच में एक या दो ही लगाया करो, ताकि पौधा अच्छे से बन पाए, उसमें फ्रूट्स आए। तो क्योंकि 2 12 इंच के बैग में ज़्यादा गमले लगाने से फ्रूट नहीं आते पौधे पर। अब ये देखिए टर्टल वाइन को भैया इसके साथ ही लगा रहा था, तो मैंने इसको कहा कि इसको अलग कर दो, हमें भी मल्च करने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर उसको बात समझ आ गई, शायद उसने बाहर निकाल लिया, और टर्टल वाइन को मैंने हटाकर अलग से एक गमले और में लगा दिया। ये देखिए हर एक प्लांट की अपनी जड़ बन जाती है। अब हम उसको रिपोर्ट कर ही रहे हैं तो टर्टल वाइन को अलग कर लेते हैं। अभी हमें टर्टल वाइन की ज़रूरत नहीं है, पौधे को अपने से ही आराम से एक अपना आराम से वो ग्रो करेगा। तो दूसरा गमला है ये देखिए एक्स्ट्रा मिट्टी थैली में से निकाल के, अब मिट्टी की भी बारी हो रही है आने की, तो मिट्टी को डाल के गमले की हाइट काफ़ी अच्छी है दोनों की। ये मैं किसी को चाहेगा तो ले लेंगे, नहीं तो मेरे अपने टेरेस पे लगे रहेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, तुलसी, स्पाइडर प्लांट, काफ़ी लगते ही रहते हैं, एक्स्ट्रा बनते ही रहते हैं। ये देखिए ऊपर तक मिट्टी भरनी है इसको, पॉट में पूरी मिट्टी ऊपर तक भर दें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये काम आज हमने करा है रिपोर्टिंग का, और एक जगह और भी कुछ करा है वो मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, जो मैंने टमाटर लगाए थे और उसमें एक खीरे का और निकल आया है, जो कि हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा जी, इन्हें मैंने कल हरे प्याज खरीदे स्पेशली फॉर सोइंग, और मैंने उसका हेड चॉप कर दिया, उसके जो बल्ब है नीचे के वो मैं नीचे लगा इसमें लगाने जा रही हूँ। ये मेरा 18x9 इंच का बैग है, तो प्याज को भी बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए बल्ब्स हैं इसके सारे, ये मैं इसमें सॉइल में लगा दूँगी। ये धीरे धीरे इसमें ग्रीन लीव्स आ जाएंगे, उस लीव्स को भी हम खा सकते हैं, और उसके बाद उसका जो बल्ब है वो भी बड़ा हो जाएगा, वो हमें प्याज मिल जाएगा, प्लस इसमें सीड्स भी फॉर्म होते हैं, हमें आगे के लिए सीड्स भी मिल जाएंगे। खीरे के सीडलिंग्स भी बड़े हो गए थे, 5 पत्ते आ गए थे, 5-6 पत्ते। तो ये ग्रो बैग था खाली, इसमें कुछ लगा नहीं, तो मैंने कहा भैया इसको खीरे को लगा देते हैं। तो अब ये फटाफट बेल पकड़ेगी आगे की तरफ। ये देखिए काफ़ी बड़े प्लांटर्स हो गए थे जो मैंने अपनी बास्केट में लगाए थे, वहाँ और भी सीड्स लगे हुए हैं,
कई जगह सीड्स लगे हैं, कई जगह सीड्स नहीं लगे हैं। तो यहाँ 3 सीडलिंग लगाए हैं, आई थिंक यहाँ 2 बहुत थे, तो चलो अभी हमने लगा दिए हैं। तो ये भी क्लाइंबर है, इसको भी आगे की तरफ बांधना ही पड़ेगा और चढ़ाना ही पड़ेगा। सॉरी, बाकी यहाँ पे टर्टल वाइन जो थी उसको भी मैंने कहा भैया इसको भी गमले में लगा दो, गमले बहुत पड़े हैं, हमारे पास गमले की कमी थोड़ी है। तो टर्टल वाइन भी लग गई, एक ही चिड़िया थी जो बड़ा सुंदर सी चिड़िया आई थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। पानी मिलता है इनको, दाना मिलता है, तो ये आती हैं। ये देखिए बीच में जाके बैठ गई अपने आराम से। अपराजिता का प्लांट भी अच्छे से बढ़ रहा है, बेले बढ़ रही हैं, और इस कड़ी पत्ते की यही प्लांट सरवाइव किया है, तो इसकी मैंने थोड़ी सी गुड़ाई करी है प्लांट की। एक एक दो दो तीन दिन आप रोज़ गुड़ाई करते रहें प्लांट की, वो ज़रूरी है। और तुलसी से तो मंजरी में हटाती रहती हूँ, हो रही हैं तुलसी पे सीड्स वगैरह ना लगते रहते हैं। और ये जो जहाँ से मैंने बर्ड्स हटा ली हैं, जो फ्लावर का पॉड होता है उससे वो मैं हटा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बाकी सीजर्स के साथ अब जल्द ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, हैंड से जितने हुए मैं कर दिखते हैं तो मैं कर देती हूँ। तो मोती के प्लांट में अब इसमें से कली तो निकलेगी नहीं, तो इसको आप हटाते रहें, क्योंकि ये ऐसे ही बेकार में गिरते हैं, उगते हैं और इनकी एनर्जी लेते रहते हैं। ये देखिए ये स्वीट पोटैटो की वाइन है, तो इसको मैंने फिर नीचे गिरी हुई थी तो मैंने इसको ऊपर पकड़ के इसको चढ़ा भी दिया और इसको बांध भी दिया, तो ये भी काम आज करा है। गिरी हुई प्लांट थी उसका तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुई। हमारी तुलसी दूसरे नंबर की दूसरी तुलसी थी, 4 तुलसी हैं हमारे पास, तो सभी के अंदर मंजरी हो रही है, तो ये काम ज़रूर करें, मंजरी हटाते रहें। देखिए तुलसी में से कितनी घनी होती जा रही है। और पीले पत्ते मैं झाड़ देती हूँ रोज़ के रोज़, जो पीले पत्ते हैं वो झड़ जाएं। तुलसी आपके टेरेस पे जितनी हो उतनी अच्छी, 20 घंटे ऑक्सीजन देती है। और ये साथ में मेरा सदाबहार है, इसकी अभी कटिंग करेंगे थोड़ी बहुत। देखिए हमारे कड़ी पत्ता के 2 प्लांटर्स रेडी हो गए हैं, और एक हमारा टर्टल वाइन भी रेडी हो गया अलग गमले में। अब हम भिंडी की ट्रांसप्लांट करेंगे आधे दिन में। तो कुछ कुछ चीज़ों की आपको करनी पड़ती है। और ये कड़ी पत्ता अब देखिए आराम से अच्छे से उगेगा। हमारी ये पालक आ गई, बेबी पालक, बेबी स्पिनिच, रेड स्पिनिच, स्पिनिच, ये रात की रानी के प्लांट काफ़ी बेटर हो गए, ग्रीनर हो गए हैं। और हमारा अमरूद का प्लांट है, अच्छे अमरूद इसमें भी लग रहे हैं धीरे धीरे। तो 2 चीज़ें, सबको बांधना बूंदना, प्लांट्स को देखना, सफाई करना, गुड़ाई करना। शाम का समय जब हम जाते हैं तो प्लांट्स को चेक करना होता है, कभी कभी थोड़ी थकावट हो या नहीं हो तो मैं नहीं जा पाती, अदरवाइज़ मेरा रोज़ का रूटीन है शाम को जाना। और लौकी के बेले हैं थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको फिर मैंने इधर से हटा के गिर रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्यूकम्बर लगा है और वहाँ तोरी लगी है, तो वहाँ मैंने फिर इसको बांध दिया एक रस्सी से थोड़ी सी, और ताकि वो अपने रास्ते चलें, ये अपने रास्ते चलिए। तो रही कि देखिए मैं यहाँ पे इसका कटिंग करी हूँ यहाँ से थोड़ी, एक कटिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्लांट्स में ज़्यादा फ्रूट्स चाहते हैं तो। देखिए मैं जगह जगह कर रही हूँ, कद्दू के प्लांट में कर रही हूँ और लौकी के प्लांट में कर रही हूँ, करेले में कर रही हूँ, तोरी में कर रही हूँ, ये वाइन वाली सब्जियाँ हैं सारी। और ये सारे पत्ते जाएंगे कंपोस्ट में, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और शाम के समय मैंने सोचा कि चलो जो जो पौधे नए उगे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी लिक्विड मैन्योर डाल दी जाए, जो कि मैंने बायोएंजाइम सरसों के खली का पानी, एलोवेरा वाला पानी और किचन वेस्ट वाटर से बनाया। ये देखिए मैंने रेडिश के थोड़ा सा डाल दिया, आजकल 1-2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश होती तो मैं ना डालती, बट इस टाइम मैंने डाल दिया। माली सुबह अच्छे से पौधों को देखे गया। यहाँ देखिए मैंने कड़ी पत्ता का एक प्लांट लगाया है जो कि छोटा सा लगा हुआ था, और करेले का जो मैंने प्लांट था ये सारा हमारा किचन गार्डन वेस्ट है, तो वो बकेट में मैं भर रही हूँ,
उसको उठा के देखी, ये एक करेले को मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे दो खीरे के लगे तो एक मैंने करेले का लगा दिया, और मैंने मूली के सीडलिंग्स थोड़े अलग अलग करे छांटे हैं, क्योंकि मूली ऐसे फिर पहले भी हमने एक दो बार मूली लगाई है तो मूली ढंग से लगे नहीं क्योंकि कंजस्टेड होती है। मूली के हर सीडलिंग में 2 इंच का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेट्स सी इस बार मुझे कैसा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने ये कोशिश करी है मूली को लगाने की, और मैंने थोड़ा सा उस पर खाद वाला पानी भी दे दिया है। तो ये तो आप सबको करना ही पड़ेगा, अपने पौधों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बारिश एक दो दिन से नहीं आ रही है, और ये देखिए फिर मैंने ये वाला वाटर यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी कुछ सीडलिंग्स निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ बीट्स हैं, यहाँ ब्रोकली है, यहाँ देखिए जो नए नए प्लांटर्स हैं ना उनमें मैंने दे दिए, क्योंकि पुराने वाले में तो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और यहाँ जो 3 लगे हैं ना, यहाँ से 3 से हटाकर हम 2-2 रखेंगे 12 इंच के पॉट में। वैसे एक ही होना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपका पौधा। यहाँ पे यहाँ टमाटर के भी थोड़े से स्प्राउट हुए हैं, और इधर करेला और खीरे में भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है, उस साइड भी मैंने दिया है, यहाँ भी दे दिया देखिए। और यहाँ पे इधर करेला खीरा ये खीरे के लगे हैं या तोरी के लगे हैं, सब जगह मैंने ये वाला वाटर थोड़ा थोड़ा दे दिया है। कल मॉर्निंग में मैं लौकी और कद्दू में भी दे दूँगी। यहाँ देखिए स्पिनच में भी दिया है, और इधर ये देखिए हमारे अनियन के बल्ब्स मैंने लगाए हैं। ये मैंने ऐसे देखा है, ट्राई करके देखते हैं मुझे कितनी सफलता मिलती है इसके अंदर, तो मैंने ये भी कोशिश करी। यहाँ भी देखिए करेले के लगाए हुए हैं, और इधर भी मैं थोड़े से कुछ और सीड्स डाल दूँगी। कुछ लगाया तो है मैंने, देखो अमरूद के हैं ये, अमरूद में डाल दिया, फिर इस वाले प्लांटर में भी डाल दिया, यहाँ पे बेबी स्पिनच और रेड अमरंथ में भी डाल दिया। यहाँ तक तो मैंने कवर कर दिया, भिंडी के छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं यहाँ तक तो मैंने कवर कर दिया, बाकी देखते हैं। ये एंड है इसका लिक्विड खाद का। और बैंगन 4 हार्वेस्ट करने को मिल गए, बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी तो मैंने आज ही बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो ये मैं अपनी मेट को दे दूँगी, वो खुशी खुशी ले जाती है। और ये देखिए अपराजिता के फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और अपराजिता आगे की तरफ भाग भी रही है, काफ़ी जल्दी इसने करें। इसकी सीड पॉट भी मैं संभाल के रख लूँगी। तो जहाँ जहाँ देखिए छोटा जो होती है ना ग्रोथ आती है, उसको थोड़ी थोड़ी कटिंग करने से आपका प्लांट बहुत आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें और भी फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फल भी आएंगे। पहले मेल फ्लावर्स, फिर फीमेल फ्लावर्स, फिर उनकी पॉलिनेशन, तो ये सब चलता रहता है। जहाँ आपको लगे पत्ता थोड़ा ख़राब है उसको काट दें। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए, कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको मिलती हूँ जल्द, अगले वेडनेसडे मिलूँगी। तो सबको नमस्कार।